Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. आज इस वीडियो में मैं आपको हाई लो बेल स्लीव्स का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी और बहुत ही सिंपल है, बहुत ट्रेंडी है और अच्छा लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा. तो ये देखिए, इसके लिए ये वाला पार्ट हम बॉटम के लिए यूज़ करेंगे और टॉप जो पार्ट होगा वो नॉर्मली जैसे स्लीव्स का होता है बिल्कुल वैसे ही है. ये देखिए, मैंने इस टॉप का पार्ट बना लिया हुआ है. ऊपर से आर्म होल की नॉर्मल कटिंग है, लेकिन लेंथ आपने सिर्फ शोल्डर से लेकर एल्बो तक रखनी है. ठीक है, तो शोल्डर से लेकर एल्बो तक जितनी भी लेंथ है वहाँ तक आप ये स्लीव का ऊपर वाला पार्ट तैयार कर लें, बिल्कुल नॉर्मली जैसे नॉर्मल स्लीव्स का बनाते हैं. ठीक है, जो बॉटम का पार्ट है उसमें हम बेल अटैच करेंगे, हाई लो बेल. ठीक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, जितनी भी आपकी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये टॉप का पार्ट तैयार कर लें. इसके बाद बॉटम के लिए हम ये फैब्रिक लेंगे. तो ये देखिए, उसके लिए हमने एल्बो से लेकर रिस्ट तक की मेजरमेंट ले लेनी है. तो एल्बो से लेकर थोड़ा सा आप एक डेढ़ इंच ऊपर रखें एल्बो से और इंची टेप को इस तरह से पकड़ लें और रिस्ट से थोड़ा सा नीचे की मेजरमेंट लें. तो रिस्ट से हम तकरीबन ये 14 इंच लेंगे, लेकिन हम फैब्रिक जो है वो उसके लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे. तो हम 15 इंच नोट करते हैं अपनी मेजरमेंट अपने पास. ठीक है, सीम अलाउंस इंक्लूड करके, और जितनी हमारी यहाँ से मेजरमेंट आती है हमने फैब्रिक उससे डबल लेना है. ठीक है, यानी अभी हमारी मेजरमेंट 15 इंच आई है तो हम 30 इंच फैब्रिक लेंगे. 30 इंच फैब्रिक हमें लेंथ वाइज भी चाहिए और विड्थ वाइज भी चाहिए. ठीक है, तो एल्बो से रिस्ट तक जो भी मेजरमेंट आए उसका डबल फैब्रिक हमने लेना है स्क्वायर पीस में. उसकी लेंथ भी डबल होनी चाहिए और विड्थ भी उससे डबल होनी चाहिए. तो हम यहाँ पर 30 इंच लॉन्ग और 30 इंच वाइड फैब्रिक लेंगे, क्योंकि इंक्लूडिंग सीम अलाउंस हमारी मेजरमेंट क्या आई है, रिस्ट से एल्बो और से रिस्ट तक 15 इंच आई थी. ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर 30 इंच ले रहे हैं. इसके बाद हम इस फैब्रिक को पहले ये विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसको लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे. ये जो स्क्वायर पीस है हमारे पास, इसको हम ऐसे अब विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे और अब हम मार्किंग करेंगे. ये मैं आपको क्लोज व्यू दिखा देती हूँ. ये देखिए, ये हमने फोल्ड किया हुआ फैब्रिक, ये इसकी बन साइड है. यहाँ से हम मार्किंग करेंगे. तो इस कॉर्नर से लेकर, हमारी मेजरमेंट थी 14 इंच तो हम यहाँ से 14 इंच पे मार्क करेंगे. इस कॉर्नर से हमने 14 इंच पे मार्क करनी है. फैब्रिक हमने थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया था. ठीक है, हमने 15 इंच अपनी मेजरमेंट ली थी ताकि कोई फैब्रिक जो है वो कम ना रह जाए. तो इस कॉर्नर से 14 इंच पर हम मार्क करेंगे. अभी हमने इस कॉर्नर पर जो हम कटिंग करते हैं नॉर्मली वो नहीं करनी अभी हमने. ठीक है, अभी हमने सिर्फ इस कॉर्नर से जो फुल लेंथ है हमारी 14 इंच है तो हम वहाँ की कटिंग करेंगे. पहले मार्किंग और फिर कटिंग करेंगे. ये देखिए, इस कॉर्नर से हमने 14 इंच पर मार्किंग की है. ये देखिए, और अब हम इस पॉइंट पर कट कर लेंगे. ये देखिए, हमने यहाँ से कटिंग कर ली है. इसके बाद अभी हमने जो बंद कॉर्नर है यहाँ से कटिंग नहीं करनी, बल्कि हम इसको ओपन करेंगे, हाफ ओपन करेंगे. ये देखिए, हाफ ओपन करना है, अभी फुल ओपन नहीं करना. और अब इसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे. तो ये देखिए, ये इसका सेंटर है. तो हमने यहाँ पूरा सेंटर तक फोल्ड नहीं करना, बल्कि हमने थोड़ा फोल्ड करना है. ये देखिए, सेंटर से थोड़ा पीछे तक फोल्ड करना है. इस तरह से हमारे पास एक शॉर्ट और एक लॉन्ग साइड आ जाएगी. अब इस पॉइंट पर हम मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे. ठीक है, उसके लिए ये देखें, जो हमने टॉप का पार्ट तैयार किया था इसका ये जो बॉटम है जो हमारे एल्बो तक है, ठीक है, इसकी हम मेजरमेंट लेंगे. तो ये देखिए, ये हमारा 5 इंच है और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये 10 इंच है. यानी हमारे पास सर्कल जो है वो 10 इंच का है. हम इसका 1/4 फाइंड करेंगे. हम इसको 6.25 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम तकरीबन 1.4 इंच पर मार्किंग करेंगे. जितनी हमारी मेजरमेंट आती है उससे हम एक आधा पॉइंट कम ही मार्किंग करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम 1.4 इंच पे मार्किंग करेंगे इस कॉर्नर से. ठीक है, ये 1.4 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ. इसके बाद हम इस पॉइंट पे कट कर लेंगे. ये देखिए, हमने यहाँ से ये कट कर लिया है. अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका ये पार्ट हमारे स्लीव के टॉप पार्ट से अटैच होगा. ठीक है, ये देखिए, ये हमारी साइड की सिलाई है. ये हमारी लॉन्ग साइड से अटैच होगी और जो दूसरी साइड है वो शॉर्ट साइड से अटैच होगी. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इन दोनों साइड्स पर मार्क कर लेते हैं. और ये मार्किंग बहुत ज़रूरी है, ये शॉर्ट साइड पर भी मार्क कर लें और ये लॉन्ग साइड है इस पर भी मार्क कर लें, ताकि पता चल जाए कि टॉप के पार्ट से हमने कहाँ से अटैच करना है. ठीक है, तो ये मार्किंग बहुत ज़रूरी है, ये लाजमी कर लेनी है ओपन करने से पहले. ठीक है,
और यहाँ पर भी हम मार्क कर लेंगे, अच्छे से मार्क कर लें। अब ये देखिए, ये साइड की सिलाई लॉन्ग पार्ट से अटैच होगी और दूसरी साइड स्लीव की शॉर्ट पार्ट से अटैच होगी। ये देखिए, दोनों की राइट साइड है सामने, इसको ओपन करें और सिंपली यहाँ से पकड़ के दोनों को ये सर्कल स्टिच कर लें। ये देखिए, हमने ये स्टिच कर लिया है और इस तरह से हमारी जो साइड सीम है ये लॉन्ग पार्ट से अटैच है और जो दूसरी साइड है वो शॉर्ट पार्ट से अटैच है, तो इस तरह से हमारी स्लीव बन जाएगी। ये देखिए, ये इस तरह से आएगी। जो इसका बॉटम का पार्ट है इसको हम सिंपली हेम कर लेंगे। ये देखिए, सर्कल को हेम करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि पहले आप एक बार फोल्ड करके सारी सिलाई लगाएं और उसके बाद दोबारा फोल्ड करके सिलाई लगाएं। इससे कोई चुनट वगैरह भी नहीं आती है और कोई मुश्किल भी नहीं होती सिलाई करते हुए, ठीक है। ये देखें, एक बार हमने फोल्ड किया और अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे। पूरे जो बेल है इस पर हम, पूरा जो सर्कल है इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ एक बार फोल्ड करें फैब्रिक को, तो जितनी भी चुनट वगैरह होगी वो इस साइड पर आ जाएगी और स्टिच करते हुए कोई परेशानी भी नहीं होती है। तो ये बहुत आसान तरीका है ये स्लीव के लिए भी, और अगर आप कोई सर्कल में जब फ्रॉक बनाते हैं, कोई स्कर्ट बनाते हैं, तो उसके बॉटम को भी हेम करने के लिए ये बहुत बेस्ट तरीका है कि आप इसको पहले एक बार फोल्ड करके ये सारी सिलाई लगा लें। ये देखिए, हमने सारी सिलाई लगा ली है एक बार फोल्ड करके। अब हम इसको दोबारा फोल्ड करेंगे और अब हम दोबारा स्टिच करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोबारा स्टिच कर लें। जहाँ पर आपने थोड़ा सा फैब्रिक जो है उसमें कर्व आए, वहाँ पर आप नीडल को फैब्रिक में रखकर और जो उसका प्रेशर फुट है इसको ऊपर कर लें और फिर थोड़ा सा फैब्रिक को घुमाकर और हम फिर आगे नीडल लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से ये सारी फिनिश लुक आएगी इसकी, कहीं पर भी कोई चुनट नहीं आएगी और ना ही सिलाई करते हुए कोई मसला होगा। ये देखिए, हमने इस तरह से बॉटम को भी हेम कर लिया है और हमारी स्लीव बिल्कुल रेडी है। अब आप ये देख सकते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी फिनिश लुक आई है इसकी, कोई भी यहाँ पर चुनट वगैरह नहीं है और ना ही स्टिचिंग करते हुए कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो ये देखिए, ये स्लीव की फाइनल लुक है, ठीक है। ये देखें, ऊपर से ये छोटी है और यहाँ नीचे से जो है ये इसकी लेंथ ज़्यादा है और इस तरह से बहुत अच्छी लुक दे रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।